जिन लोगों का सहारा छीनकर बेसहारा हो गए हो, उनका सहारा बनने के लिए एक महिला ने अपनी नौकरी छोड़ दी। महिला ने अपने घर में वृद्ध आश्रम खोला है जिसमें कई बेसहारा वृद्धजन रहते हैं। महिला राजेश खन्ना की फिल्म अवतार देखकर प्रेरित हुई। वृद्धजनों की सेवा में जुटी महिला का नाम है मीना जयंत। मीना आगरा मालवा की रहने वाली हैं। मूल रूप से भिंड जिले के महगांव के निवासी मीना का बहुत पहले से सपना था कि वो जब लोगों की मदद करने के काबिल हो जाएंगी तो वृद्धजनों की सेवा करेंगी। राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म अवतार देखकर उन्हें इसकी प्रेरणा मिली। मीना एक स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्य करती थी। बुजुर्गों के खराब हालात देखकर उनके लिए कुछ करने का ख्याल उनके मन में पहले से ही था। जब उन्हें पता चला कि आगर मालवा में कोई वृद्धाश्रम नहीं है तो वो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ चली आईं और अपना घर नाम से वृद्धाश्रम की शुरुआत की। उनके इस काम में उनके परिवार वालों ने भी भरपूर सहयोग किया। पिछले 2 सालों से मीना स्थानीय लोगों की मदद से बिना किसी सरकारी मदद के बुजुर्गों की सेवा में लगी हुई हैं। बुजुर्गों को सरकार से मिलने वाली पेंशन के लिए परेशानी न हो, इसलिए हर माह कियोस्क संचालक घनश्याम वृद्धाश्रम में ही पेंशन देने के लिए पहुँच जाते हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की अपनी दुख भरी कहानी है। वृद्धाश्रम में रहने वाले उज्जैन निवासी देवी प्रसाद मिश्रा का कोई पुत्र नहीं था। 3 लड़कियां थीं। लड़कियों की शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता रहे थे, लेकिन पत्नी के निधन के बाद देवी प्रसाद अकेले रह गए। 4 सालों में कभी बड़ी बेटी तो कभी छोटी बेटी के साथ रहे, लेकिन बेटियों के घर पर रहना अच्छा नहीं लगा तो उनका घर भी छोड़ दिया। भटकते भटकते देवी प्रसाद अपने घर पहुँचे। आज मीना उनकी बेटी जैसी और वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग उनके परिवार के जैसे हो गए हैं। अपना घर की सदस्य गंगाबाई बताती हैं कि उनके 2 बेटे हैं, लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं करते, कई बार मारपीट तक करते हैं, इसलिए गंगाबाई अपने बेटों को छोड़कर अपना घर में रह रही हैं। अपना घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं उतनी ही दुख भरी कहानियाँ भी हैं, लेकिन आज यहाँ रहने वाले बुजुर्ग अपना अतीत भूल कर यहाँ हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.